नमस्कार दोस्तों, फाइंडो चैनल में आपका स्वागत है। 1978 का न्यू ईयर बहुत ही कड़वी याद देके गया। 1 जनवरी 1978 का दिन था, रविवार संडे। पूरा देश, पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। लोग अपने अपने तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन शाम होते होते कहीं आसमान में 213 लोगों की मौत का पैगाम भी आ चुका था। एयर इंडिया का एक विमान बोइंग 747, जिसको सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता था, बंबई सांता क्रूज इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बंबई, जो कि आज मुंबई है, वहां के एयरपोर्ट से उड़ा था। विमान में कुल 213 लोग थे, जिनमें से 23 सदस्य एयर इंडिया के और अन्य 190 यात्री पैसेंजर थे। जांच में बताया गया कि प्लेन में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से यह हादसा हुआ था। प्लेन में ऊंचाई बताने वाला जो यंत्र होता है वो खराब हो गया, जिसके चलते पृथ्वी से ऊंचाई का पता ही नहीं चला और अंधेरा होने की वजह से कैप्टन ने प्लेन को रोल कर सीधा करने की कोशिश की, लेकिन वह समुद्र से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई लोगों का, जो कि अंधविश्वास को या कुछ कहें मानते हैं ज्योतिष को, एक तांत्रिक के नाराज होने से और उसके श्राप देने की वजह से भी ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मैं उस पे नहीं जाता हूं, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। पूरा जो न्यू ईयर का खुशी था वो काफूर हो गया। 273 लोगों की मौत, बहुत ही भयानक घटना थी। अरब सागर में पूरा का पूरा विमान जो है वो समा गया। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए बने रहिए चैनल फाइंडोज पर। चैनल फाइंडोज को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।